फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का भविष्यफल। भविष्यफल में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के, साथ ही साथ आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को कुछ सफल बना देंगे। आपको पंचांग में बहुत कुछ स्पेशल बताएंगे, क्या आपके लिए शुभ है और क्या आपके लिए अशुभ है इसकी पूरी जानकारी देंगे और भविष्यफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय, एक ऐसा खास उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को बस चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है रविवार का, तारीख है 14 अप्रैल 2024, चैत्र शुक्ल षष्ठी पर यानी कि छठ पर चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। ये नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। दिन का शुभंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा फिरोजी यानी कि टॉर्कोइस, शुभ दिशा रहेगी वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट, राहु काल रहेगा शाम को 5:10 से लेकर के शाम को 6:46 तक। रवि योग रहेगा सुबह 5:56 से लेकर के रात में 1:35 तक। बड़ा शुभ दिन है ये। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:29 से लेकर 11:43 तक। और विशेष क्या है, यमुना छठ है, इसे उपछठ भी कहते हैं। बड़ा विशेष दिन है और इस दिन विशेष रूप से सुहाग के लिए, दाम्पत्य में सफलता के लिए और प्रेम विवाह में सफलता के लिए भी कुंवारी कन्याएं स्पेशली फास्टिंग करती हैं और वो बैठती नहीं है, इसे यमुना छठ कहा जाता है। और इस दिन विशेष रूप से छठी दुर्गा देवी कात्यायनी के पूजन का विधान है और इन्हीं की कृपा से गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी पति के रूप में। तो विशेष दिन है ये, बड़ा विशेष दिन। ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय है वो भी देवी कात्यायनी से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे विवाह बाधा कैसे दूर होगी और लव मैरिज में सफलता कैसे मिलेगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यफल के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष राशि वालों, लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलने से प्रसन्न रहेंगे, कारोबारी यात्रा की योजना बनेगी, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, पारिवारिक विवाद से बचें। उपाय क्या करें, महादेवी पर अशोक के पत्ते चढ़ाएं। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। वृष राशि वालों, कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे, नई योजनाओं से लाभ होगा, परिजनों से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, संतान से सुख प्राप्त होगा, कारोबार में लाभ की योग बन रहे हैं। उपाय क्या करें, भगवती पर मौली चढ़ाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाए की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों, कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होंगी, महत्वपूर्ण कामकाज में लाभ मिलेगा, संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी, हर फैसला बहुत सोच समझ करके आपको लेना होगा, छात्रों का पढ़ाई में रुझान बढ़ेगा। उपाय क्या करें, देवी पूजन में तांबे के पात्र का उपयोग करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कारोबार में बड़ा लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लंबे समय से रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हालांकि आप महसूस कर सकते हैं। उपाय क्या करें, देवी दुर्गा के चित्र पर सिक्का अर्पित करें, 1 रुपये का सिक्का। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। अपनी भाषा पर आपको नियंत्रण रखना होगा, संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ की संभावना है, घर में परिजन प्रसन्न रहेंगे, पारिवारिक स्थिति सुखद बनी रहेगी, वाहन चलाते समय बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। उपाय क्या करें, महादेवी के चित्र पर अनार चढ़ाएं, दाड़म कहते हैं इसको, विशेष फल होता है ये, नवरात्रि का फल। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। कार्य क्षमता में कमी आएगी, कारोबारी विस्तार के मौके मिलेंगे, रोजगार में तरक्की के योग हैं, पेट के रोगों से परेशान रहेंगे, परिवार के साथ में आप समय बिता पाएंगे। उपाय क्या करें, कर्पूर से गेहूं जलाकर देवी दुर्गा पर धूप करें। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। आय में बढ़ोतरी के योग हैं, रोजगार में तरक्की की संभावनाएं हैं, कारोबार में शत्रुओं से आपको सतर्क रहना होगा, परिजनों की को तरक्की मिलेगी, कुमारों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। उपाय क्या करें, महादेवी पर जायफल चढ़ाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे।
वृश्चिक राशि वालों, अधूरे कामकाज पूरे होंगे, व्यवसाय में सफलता के योग हैं, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि की संभावना है, नए काम शुरू करने से बचें, दाम्पत्य में तालमेल बेहतर बना रहेगा। उपाय क्या करें, जगदम्बा पर मौली चढ़ाकर कलाई पर बांधें। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। धनु राशि वालों, कारोबारी कार्यों में कुछ बाधाएं जो आ रही थी वो मिटेंगी, रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी, घरेलू कामकाज आसानी से पूरे होंगे, छात्रों की पढ़ाई लिखाई बेहतर रहेगी। उपाय ये करें कि महादेवी पर आंवले चढ़ाएं। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे, घरेलू कामकाज का दबाव रहेगा, पारिवारिक समस्या से परेशान रहेंगे, छात्रों की पढ़ाई लिखाई बेहतर रहेगी। उपाय क्या करें कि भगवती पर अंजीर चढ़ाएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, कारोबारी सफलता से खुशी मिलेगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, निवेश में जल्दबाजी करने से बचें, घरेलू सुखों में वृद्धि की संभावना है। उपाय क्या करें, देवी दुर्गा पर लाल चंदन चढ़ाएं। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। रोजी रोजगार में कामकाज की तारीफ होगी, भाई बहन से मनमुटाव की संभावना है, फिजूल खर्चों से बचने की मैं आपको सलाह देता हूँ, प्रेम प्रसंग के चलते मन खुश रहेगा, बच्चों के साथ में आप शाम में समय बिता पाएंगे। उपाय क्या करें, जगदम्बा पर खजूर का भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स, अब समय है आज के स्पेशल उपाय का, विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो विवाह बाधा दूर कर देगा। देखिए, नवरात्र की षष्ठी है, छठी तिथि, यमुना छठ उपछठ है, और ऐसे में माता कात्यायनी के पूजन का विधान है, ये दाम्पत्य की देवी कही गई हैं। विवाह बाधा दूर करने के लिए माता कात्यायनी का पूजन करें और देवी कात्यायनी पर हल्दी का उपटन चढ़ाएं, और चढ़ावा जो उपटन है उसे सुखा करके रोज थोड़ा थोड़ा अपने शरीर पर लगाकर उसे नित्य इस्तेमाल करें, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, बड़ा विशेष तांत्रिक मंत्र माना जाता है देवी कात्यायनी का, ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। ओम काम कीम कुम कैम कोम कह ठह छह भग मालिनी देवी नमः, भग मालिनी देवी नमः। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मंत्र को, ओम काम कीम कुम कैम कोम कह ठह छह भग मालिनी देवी नमः। आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ रही है, या आप लव लाइफ ठीक करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, 100% पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।